हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स हेल्प यू। मैं हूं सौम्य रंजन नाइक। फ्रेंड्स, आप लोग अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड किए हो तो उस सारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए एक ऐप है, उस ऐप का नाम होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप। तो उस इन्वेस्ट ऐप आपको आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में आज आप लोग को डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पास एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप आप नहीं है तो आप लोग क्या करना है, आप लोग प्ले स्टोर में अभी जाइए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ उस तरह से आप लोग उसको आपको डाउनलोड कर लीजिए। अभी आपका प्ले स्टोर खोल लीजिए, प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए, एसबीआई म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हो, नहीं तो इन्वेस्ट ऐप आप लोग सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ एसबीआई इन्वेस्ट ऐप, तो आप लोग उसको सर्च कर लीजिए। ये हो गया आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट ऐप एप्लीकेशन। तो इसका आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर देना है। अगर आप लोग इंस्टॉल किए हो तो आपको इंस्टॉल करने का दोबारा ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इंस्टॉल किए नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। आपका इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद अभी क्या कीजिए, एसबीआई इन्वेस्ट ऐप ये जो ऐप आ गया है उसको चलिए ओपन करते। तो उस ऐप का ऊपर क्लिक कीजिए, आपका ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ नोटिफिकेशन आएगा, उसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, गेट स्टार्टेड और आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट। अगर आपका पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी अकाउंट के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे। तो चलिए, मेरा पास ऑलरेडी अकाउंट है, फिर भी मैं आपका अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको अभी क्या करना है, गेट स्टार्टेड का अगर आपका पास अकाउंट नहीं है तो आप लोग गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक हो गया साइन अप विथ ईमेल, दूसरा हो गया साइन अप विथ गूगल। तो चलिए, साइन अप विथ ईमेल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो क्रिएट योर अकाउंट आएगा, क्रिएट योर अकाउंट में आपका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड सेट कर दीजिए। उसके बाद क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपका अकाउंट इमीडिएटली क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए, अभी मेरा एसबीआई म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको अभी मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, बैक आ जाए तो आपको यहाँ पे मिलेगा आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको मेल आईडी पूछेगा, मेल आईडी एंटर करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड एंटर कर दीजिए, प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको पूछेगा आपका पैन नंबर, पैन नंबर एंटर करके वेरीफाई पैन का ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग को एमपीआई सेट करना है तो यस सेटअप एमपीआई ना कीजिए, नहीं तो नो आई विल डू इट लेटर। उसके बाद आपको पूछ रहा है फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए, सेट करना तो कीजिए, नहीं तो डू इट लेटर का ऊपर क्लिक कर दो। तो ऑलरेडी मेरे पास एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, अगर आप लोग फ्रंट पेज को आ जाओगे तो आपको इस तरह से दिखाएगा, जैसे मेरा यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग व्यू डिटेल्स के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा करंट वैल्यू, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, माई सिस्टमेटिक प्लान्स, ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगा, ऑल फोलियोस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर आप लोगों आपका जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ इस तरह से मिलेगा, आपका जो फोलियो नंबर है, आपका एक्टिव प्लान क्या है, कितना अमाउंट का है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो अगर आप लोग माई सिस्टमेटिक प्लान्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो एस आई पी है, सारे एस आई पी आपको यहाँ पे शो करेगा, जितना सारा आपका एस आई पी आप लोग एस बी आई म्यूचुअल फंड किए हो। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में मेरा एक एसआईपी है, यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है आपका जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आपको एसआईपी कैंसिल करना है या आपको पॉज करना है तो आपको राइट साइड में देखिए थ्री डॉट है, थ्री डॉट का पूरा अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको पॉज एंड कैंसिल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आप लोग ऑल फोलियोज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका सारे जितना सारा फोलियो होगा सारे फोलियो आपको यहाँ पे दिखाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग है उसका जो थ्री डॉट है उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट मोर, रिडीम नाउ, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा यहाँ पे। ऊपर देखिए कि ट्रांजेक्ट नाउ उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको भी सेम चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप लोग इन्वेस्ट मोर का ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको शो करेगा। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो जो म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे के सर्च कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है तो ग्रोथ हो या डायरेक्ट या रेगुलर आपको सिलेक्ट करना है, उसका ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो सिलेक्ट करना है कीजिए, उसके बाद जो अमाउंट वगैरह डालना है तो डाल दीजिए। उसके बाद आप इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एसआईपी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप देखिए लेफ्ट साइड ऊपर में थ्री बार है, थ्री बार के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, देखिए न्यू फंड ऑफ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री स्टेटमेंट्स। तो अगर आप लोग स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आपको ये दोनों मिलेगा। आपको जिसको सिलेक्ट करना है उसका ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आपका फोलियो नंबर सिलेक्ट कीजिए, टाइम पीरियड, फाइल टाइप सिलेक्ट करके ईमेल स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए या डाउनलोड स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हो। उस तरह से कैपिटल गेन का भी आप लोग चेक कर सकते हो।
उसके बाद नीचे आप देखिए प्रोफाइल है। अगर आप लोग प्रोफाइल का ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो यूजर आईडी है, पैन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट करना है तो आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल एडिट कर सकते हो। उसके बाद मैनेज अकाउंट है, मैनेज फोलियो है, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके नीचे आप लोग देख सकते हो पोर्टफोलियो है। तो अगर आप लोग पोर्टफोलियो में क्लिक करते हो तो आप लोग को जैसे मैं अभी दिखाया आप लोग उस तरह से देख सकते हो। पोर्टफोलियो पेज पहले हम लोग गए थे तो नीचे आइए देखिए क्रिएट मैंडेट है। तो अगर आप लोग क्रिएट मैंडेट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आता है मैंडेट सेट करने के लिए, सेट वन टाइम मैंडेट। तो अगर आप लोग मैंडेट सेट करने के लिए चाहते हो तो नीचे है कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा मोड ऑफ एक्टिवेशन, कितना ऑथराइजेशन अमाउंट आप देना चाहते हो। उसके बाद देने के बाद कंटिन्यू करोगे, उसके बाद आपको मैंडेट सेट हो जाएगा। उसके बाद है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर उसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपडेटेड ईमेल आईडी हो गया, अपडेटेड फोन नंबर हो गया, अपडेटेड नोमिन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो सेटिंग्स। सेटिंग्स में अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या बायोमेट्रिक ऑन करना है, या आपका एमपिन चेंज करना है, तो आप लोग ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। लॉगआउट करना है तो लॉगआउट के ऊपर क्लिक करके आप लोग लॉगआउट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग SBI म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट ऐप है उसको आप लोग इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।